सारा वीडियो अपलोड कर दिए, किसी में कोई रिस्पांस अच्छा ही नहीं रहा। 214 वीडियो अपलोड। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज तो हमको मन बिल्कुल नहीं कर रहा था ब्लॉग अपलोड करने के लिए। क्या ही अपलोड करेंगे, इतना सारा वीडियो अपलोड कर दिए, किसी में कोई रिस्पॉन्स अच्छा ही नहीं रहा। 214 वीडियो अपलोड कर दिए, एक भी वीडियो में रिच अच्छा नहीं आ रहा है। यूट्यूब तो पूरे मेरे साथ मजाक कर रहा है कि क्या पता नहीं चल रहा है, रिच दे ही नहीं रहा। 78 रिच, 100 रिच, ऐसे रिच दे रहा है मात्र, और व्यू एकदम आ नहीं रहा है। रिच नहीं जाएगा तो व्यू कहाँ से आएगा। हमको मन नहीं किया था ब्लॉग अपलोड करने के लिए, लेकिन फिर सोचे कि अपना काम कर देना चाहिए, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो इसलिए हम कल वाला ब्लॉग तो बनाया है, आज तो ब्लॉग कोई नहीं बनाया, कल का जो ब्लॉग बनाया उसी को बनाकर अभी अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग चाहिए एंजॉय करिए। सारा रोटी तो बना लिया है, बस यही एक रोटी बचा है, और देखिए सब रोटी को इसमें रख दिए हैं, और ये मात्र अंतिम वाला रोटी है, ये बन जाएगी इसके बाद खत्म। देखिए कितना मोटा रोटी बना रहे हैं जल्दी जल्दी, और एक तो और ज़्यादा मोटा रोटी बना रहे हैं। मम्मी बोली थी मेरे लिए कुछ ज़्यादा मोटा रोटी बनाओ, इसलिए ये वाला रोटी को भी बनाते हैं। तो इसको फटाफट बनाते हैं। तो देखिए इसको बेले हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोलिए, छोटे बनाओ, मोटा रहेगा ना तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए। तो इसी को अभी फिलहाल बनाते हैं, इसको बनने में तो बहुत देर लगेगा हमको लगता है। तो इसको थोड़ा सा कम गैस कर देते हैं, ज़्यादा भी कम नहीं, लेकिन थोड़ा कम कर देंगे जो कि सीज जाएगा अच्छी तरीके से। ये रोटी को निकाल लेते हैं। पहले गाइस रोटी तो बना ली है, लेकिन ये मोटा वाला रोटी सीज रहा है। देखिए इसको अच्छा देर तक ले रखना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा है ना, तो इसको अच्छे देर तक सेकना होगा इसे। और अभी फिलहाल दूध को भी दिखा लेते हैं, और अभी फिलहाल हल्दी दूध भी दिखाएं, क्योंकि सर्दी तरह लग रहा है, तो हल्दी दूध पी लेंगे तो सही हो जाएगा। हल्दी दूध भी हो गया है, और इधर देखिए फाइनली रोटी भी पक गया है अच्छा तरीके से। तो हल्दी दूध को ले लेते हैं, इसको पीते हैं। गरम गरम ही पीना है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो उतना सही नहीं होता है, इसलिए गरम गरम फटाफट पी लेते हैं। हल्दी दूध तो पी लिया है, और देखिए ग्लास में नीचे क्या बैठ गया है, लगता है हम हल्दी ज़्यादा डाल दिए हैं कि क्या, लेकिन हल्दी की तरह लग नहीं रहा है। और हल्दी तो नीचे नहीं बैठता है, क्योंकि उतना उबलता हुआ दूध में हम डाल के चलाए हैं चम्मच से, बैठना भी नहीं चाहिए हल्दी। पता नहीं क्या, हमको लगता है कुछ ही लोग मिला देता है दुकान वाला हल्दी सबकी क्या, इसीलिए देखिए एकदम लग भी नहीं रहा हमको कि हल्दी की तरह। हल्दी का पाउडर डाल दिया है, और साइड साइड लग रहा है हमको चावल की तरह, अरवा चावल शायद मिला दिया होगा उसी टाइप में लग रहा है। तो हल्दी रहता तो पूरे घुल जाता है घर का हल्दी, इस बार हम खरीद के लाए हैं ना बाहर से, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो और आप लोग भी बाहर का हल्दी यूज नहीं करिएगा, घर का हल्दी यूज करिएगा। फाइनली गाइस खाना वाना खा लिए, तो चलते हैं गाइस सोने के लिए, और ये ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।